गाइस अगर आप लोग एक फेमस और क्यूट ब्रीड को परचेज करना चाहते हो तो आज आप लोग एकदम करेक्ट वीडियो को देख रहे हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही क्यूट ब्रीड लेके आया हूँ, जिसमें से हमारी फर्स्ट ब्रीड है वो है पग और जो हमारी सेकंड ब्रीड है वो है बीगल। तो इन दोनों ब्रीड्स के बारे में तो आप लोग काफी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये दोनों ही ब्रीड काफी फेमस हैं और ये दोनों ही स्मॉल डॉग्स कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों ब्रीड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इनकी लोकेशन है और क्या इनकी प्राइसिंग होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, दिस इज मंजीत एंड यू आर वॉचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन पग पपीज के बारे में। क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के पपीज हैं। तो ये जो पपीज हैं ये मेल फीमेल दोनों ही अवेलेबल हैं। और अगर आप लोगों को एक क्यूट फेमस और फैमिली ब्रीड चाहिए तो पग ब्रीड आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि दोस्तों ना तो इन पपीज को रहने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और ना ही खाने के लिए ज्यादा फूड की। और फ्रेंड्स, पग ब्रीड को अपने ओनर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काफी पसंद है और उनके साथ वॉक पर जाना भी। तो सुबह शाम आप लोग इन डॉग्स को वॉक पर जरूर लेके जाएं, और इनका भी एक रीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस होता क्या है कि कभी कभी ये ज्यादा खाने की वजह से ओवरवेट हो जाते हैं, और जब ये ओवरवेट हो जाते हैं तो काफी गंदे लगने लग जाते हैं। तो अगर आप लोग इन्हें सुबह शाम वॉक पर लेके जाओगे तो ये हमेशा हेल्दी और एक्टिव बने रहेंगे। और इस ब्रीड को सोना काफी पसंद है, तो ये अपना ज्यादातर टाइम सोकर ही निकालते हैं। और अगर दूसरे स्मॉल डॉग से इनका कंपैरिजन करें तो इनका एनर्जी लेवल उनसे थोड़ा कम होता है, बट ये भी काफी प्लेफुल डॉग्स होते हैं। और दोस्तों इन पपीज की मदर फादर की फोटोज मैं आप लोगों को अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ओनर के पास वो पिक्स कल आने वाली थी और वीडियो को मैं आज बना रहा हूं। तो अगर आप में से कोई भी इनके मदर फादर की पिक्स देखना चाहता है तो उसके लिए आप लोगों को ओनर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ओनर आप लोगों को वो पिक्स इनबॉक्स में सेंड कर देगा। बाकी क्वालिटी इन पपीज की बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 45 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। और भाई अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में इनकी डिलीवरी भी अवेलेबल मिल रही है। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 13,500 रुपए और फीमेल की है 9,500 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा, अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डॉग की तरफ, जो की है बीगल। तो दोस्तों बीगल भी स्मॉल टू मीडियम साइज कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही प्लेफुल और एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं इस बीगल को, काफी अच्छी क्वालिटी है और साथ में बहुत ही एक्टिव डॉग है। बीगल की ब्रीड छोटे बच्चे और छोटे एनिमल्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली और लवेबल होते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से ये बच्चे और दूसरे छोटे एनिमल्स के साथ आराम से रह सकते हैं। बीगल बहुत ही सोशल डॉग्स होते हैं और इन्हें हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। अगर आप लोग अपने बीगल्स को घर में अकेला छोड़ते हो तो ये हावलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और चीजों को तोड़ने फोड़ने भी लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें घर पे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी भी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबाकर उसे ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसी टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये जो बीगल है ये मेल फीमेल दोनों ही अवेलेबल है, और इनकी एज के बारे में बात करें तो ये 40 डेज के हो चुके हैं, और लोकेशन इनकी सेम ही रहेगी दिल्ली NCR, और डिलीवरी भी आप लोगों को इनकी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात की जाए तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 17,500 रुपए और फीमेल की है 10,500 रुपए। प्राइस थोड़ा हाई है बट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, तो अपने ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में इन वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।